हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स पे। ओशनोग्राफी हमारी चली रही है, वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, लेकिन बीच बीच में मैं न्यूमेरिकल्स के वीडियो लेक्चर भी डालूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आइसोस्टेसी। देखो, आइसोस्टेसी से आप IIT जैम का पेपर ले लो, गेट ले लो, या CSIR या नेट ले लो, सब में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है आइसोस्टेसी का। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं उस पर। देखो, आइसोस्टेसी मीन्स इक्वल स्टैंड। कैसे हमारा कोई माउंटेन पार्ट और कोई कंटिनेंटल पार्ट कैसे बैलेंस में है। ठीक है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोटेशन बिटवीन लैंड एंड स्थेनोस्फीयर। जो हमारा लैंड मास होता है, उसकी वो मोर डेंस कंपेयर टू माउंटेन्स। मीन्स जो मेरा लैंड मास, जो लैंड मास हमारा होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू माउंटेन्स। जो हमारे माउंटेन्स पार्ट है, जो हमारे हिली पार्ट्स है, उनकी डेंसिटी कम होती है। जैसे अगर मैं ये, जैसे मैं कैसा डायग्राम बन देखू, ये एक लैंड मास है मेरा। ठीक है, कंटिनेंटल पार्ट है ये वाला, और ये माउंटेन है। ठीक है, तो ये आपस में बैलेंस कैसे है? ये तो माउंटेन है, इतना ऊपर इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, और ये कंटिनेंट पार्ट है, ये बैलेंस में कैसे हो रहा है हमारे? कैसे इनका आपस में बैलेंस बन रहा है? ये ऐसे ऐसे तिरछा या टिल्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है इनको? तो देखो, क्योंकि जो ये माउंटेन वाला पार्ट है ना मेरा, इस माउंटेन वाले पार्ट की डेंसिटी कम होती है, और जो लैंड वाला पार्ट है, जो कंटिनेंटल वाला पार्ट है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए क्या रहती है, बैलेंस में रहते हैं। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं आइसोस्टेसी से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, नेट में भी आ रहा है, जैम में भी आ रहा है, तो समझने की कोशिश करना। आप लोग 15-20 मिनट देख लो इस वीडियो लेक्चर को, इजीली आपसे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो लैंड पार्ट है, जो हमारा लैंड मास है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो हमारा माउंटेन पार्ट है, उसकी डेंसिटी हमारी कम होती है। तो आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू बयोन्सी फोर्स। हमारा आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम तब होगा जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाएगा बयोन्सी फोर्स के। बयोन्सी फोर्स मीन्स जो अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ लगता है। जब दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बयोन्सी फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो आगे लेके चलते हैं, आगे लेके पढ़ते हैं। और प्राथ मॉडल देखते हैं, इसमें क्या होता है। ठीक है, देखो प्राथ मॉडल में क्या है, मैंने ब्लॉक्स लिए डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के। जो ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, डायग्राम आप समझने की कोशिश करना, जो ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, ये ब्लॉक मैंने ले रखे हैं। इन ब्लॉक्स की डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज है। इसकी डेंसिटी 3 है, इसकी 2.9 है, इसकी 2.6 है, 2.9 एंड 3.0। प्राथ मॉडल में हम लोग जो ब्लॉक्स लेते हैं, उन ब्लॉक्स की डिफरेंट वी टेक डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज ब्लॉक। ठीक है, तो पॉइंट नंबर एक है कि इन ब्लॉक्स की डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। दूसरा, जो ये वाली में लाइन है, ये वाली लाइन देख रहे हो, लाइन ये जहाँ तक ये सिंक कर रहा है, इस लाइन को बोलते हैं हम जोन ऑफ कंपनसेशन। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ कंपनसेशन। अभी तक मैंने दो बात बताई आपको, मैंने ब्लॉक्स लिए हैं, उन ब्लॉक्स की डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज हैं। दूसरी बात मैंने बताया कि जहाँ तक ये सिंक कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम जोन ऑफ कंपनसेशन। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ कंपनसेशन या डेप्थ ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, अब देखो, जब ये सिंक करते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, इस प्राथ मॉडल के अकॉर्डिंग जब ये सिंक करते हैं, तो ये एक इक्वल डेप्थ तक सिंक करते हैं। देखो, सब इक्वल डेप्थ तक सिंक कर रहे हैं, बराबर है ना सबका सब? ठीक है, तो एक इक्वल डेप्थ तक ये सिंक कर रहे हैं। लेकिन जिस ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा है, जिस ब्लॉक की डेंसिटी कम है, ये डेंसिटी में इंडिकेट कर रहा हूं यहां पे, जिस ब्लॉक की डेंसिटी कम है, उस ब्लॉक की हाइट ज्यादा होती है। वो ज्यादा, मतलब ज्यादा ऊपर तक हाइट उसकी ना आपको देखने ज्यादा मिलेगी। जैसे 2.6 है, 2.6 सबसे लो डेंसिटी किसकी है? 2.6 है, तो लोअर द डेंसिटी एंड हाइट द ब्लॉक, ब्लॉक की हाइट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ऊपर तक दिखेगा ज़्यादा निकल के वो। ठीक है, तो देखो इसकी डेंसिटी कम है, इसकी हाइट क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे सिंक एट इक्वल लेवल पे सिंक कर रहे हैं, इक्वल लेवल पे सिंक कर ले, मैंने आपको बता दिया। अगर डेंसिटी कम हो रही है, हाइट बढ़ रही है, और अगर डेंसिटी कम हो रही है, हाइट बढ़ रही है, और अगर डेंसिटी किसी ब्लॉक की ज़्यादा है तो उसकी हाइट क्या होगी? कम होगी। जैसे इसको ले लो, इसकी 3 है डेंसिटी, मैंने ली है, इसे 3 ले रखी है डेंसिटी मैंने, तो डेंसिटी ज़्यादा है। अब इसकी हाइट देखो कितनी कम हाइट तक, मीन्स कितना कम ये सिंक कर रहा है। इसकी सिंक तो बराबर कर रहा है, लेकिन इसकी हाइट देखो कितनी है, इसकी हाइट कम है।
जिसके हाइट, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है कम है, उसकी हाइट कितनी है? ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात? मैंने दो तीन चीज़ें बताई ऐसे प्लॉथ मॉडल में, जो प्लॉथ मॉडल को डिस्कस करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के ब्लॉक्स लेते हैं, वो डिफरेंट 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 डेंसिटी के जो ब्लॉक है वो एक एक सेम इक्वल डेप्थ तक सिंक करते हैं। जिस जिस ब्लॉक की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी हाइट कम होती है, जिस जिस ब्लॉक की डेंसिटी कम होती है उसकी हाइट क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना। अच्छा, मैं ना अभी आपको हाइट के बारे में बता रहा था। देखो, मैंने ये ब्लॉक्स लिए थे जिसकी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज थी, जैसे 3, 2.9 एंड 2.6, 2.9 एंड 3। तो जिस ब्लॉक की डेंसिटी कम थी, देखो उसकी डेंसिटी है 2.6, तो वो ज़्यादा राइज कर रहा था, उसकी हाइट ज़्यादा थी। और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, देखो उस ब्लॉक की डेंसिटी 3 है, इसकी हाइट कम है, ये कम राइज कर रहा है। ठीक है, ये कम राइज कर रहा है। तो अब इधर आ जाओ, उसको समझने की कोशिश करो। देखो, जो ये मेरा ब्लॉक है, ये वाला ये एक ब्लॉक है, ये एक माउंटेन, यहाँ पे ना एक माउंटेन रेंज आई, क्या है, एक माउंटेन रेंज आई यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। और जो इसकी हाइट है, उसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक मैंने मान ली कि इसकी हाइट है h। ये क्रस्ट है, इस क्रस्ट की थिकनेस जो है वो t है, एंड इस क्रस्ट क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो है रो c। और जो ये माउंटेन ब्लॉक है, ठीक है, जो प्लेटू है, इसकी डेंसिटी है रो वन। और यहाँ पे ये एक कंपनसेशन जोन है, क्या है, कंपनसेशन जोन, ये वाला जोन ऑफ कंपनसेशन है ये, या डेप्थ ऑफ कंपनसेशन, क्या बोलेंगे इसको, डेप्थ ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, अब इस डेप्थ पे क्या हो रहा है, इस डेप्थ पे जो इस ब्लॉक्स ने जो प्रेशर लगाया ना, वो इक्वल होता है, जो इस वाले एरिया ने यहाँ प्रेशर लगाया, क्रस्ट वाले एरिया ने प्रेशर लगाया, वो उसके इक्वल होता है कंपनसेशन डेप्थ पे। मीन्स यहाँ पे आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम होता है। तो अगर मैं इस चीज़ को मैथमेटिकली देखो, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, कैसे ड्राइव करेंगे, यहाँ पे थिकनेस ऑफ क्रस्ट इनटू डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इक्वल टू होता है थिकनेस ऑफ माउंटेन। अब थिकनेस ऑफ माउंटेन देखो कैसे मैं निकालूंगा। देखो, माउंटेन की यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो मैं प्लेटू या माउंटेन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, टी है, टी हो गई, और इससे ऊपर कितनी हो गई, एच हो गई। तो टी प्लस एच, टोटल थिकनेस जो माउंटेन की है वो हो गई टी प्लस एच। तो टी प्लस एच इंटू डेंसिटी ऑफ माउंटेन एज कितनी हो गई, रो वन। समझ में आ रहा है, कंपनसेशन डेप्थ पे प्रेशर हमारा इक्वल होगा। और जब आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम की बात करूँगा, तो आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम के केस में जो डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इंटू थिकनेस ऑफ क्रस्ट इक्वल टू होती है डेंसिटी ऑफ माउंटेन रेंज इंटू थिकनेस ऑफ माउंटेन रेंज की। ये टी जो है थिकनेस है हमारी क्रस्ट की, जो रो सी है हमारी डेंसिटी है क्रस्ट की, और जो टी प्लस एच है ये थिकनेस है माउंटेन की, और जो रो वन है ये हमारी डेंसिटी है माउंटेन की। समझ में आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से रो सी को ड्राइव कर लो। रो सी इजकल टू होगा, रो सी इजकल टू रो वन टी प्लस एच अपॉन टी। ये यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया मेरा। ठीक है भाई, अब देखो एग्जाम में क्या होगा कि वो आपको रोसी दे देगा, मीन्स क्रस्ट की डेंसिटी दे देगा, और इस ब्लॉक की हाइट दे देगा, इस माउंटेन ब्लॉक की हाइट एच दे देगा, और क्रस्ट की थिकनेस दे देगा। ठीक है, और आपसे इस ब्लॉक की, इस प्लेटू की क्या पूछ लेगा, डेंसिटी पूछ लेगा, मीन्स रो वन की वैल्यू ड्राइव करवा लेगा। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, रो सी इजकल टू रो वन एच प्लस टी अपॉन टी। एच प्लस टी क्या है, हाइट ऑफ माउंटेन है, रो वन क्या है, माउंटेन की डेंसिटी है, और रो सी क्या है, क्रस्ट की डेंसिटी है। ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ से आना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप नेट देख लो, जैम देख लो, या फिर आईआईटी जैम के क्वेश्चन उठा के देख लो, आइसोस्टेसिस से इस तरह के क्वेश्चन आप पूछते रहते हैं। अब थोड़ा डायग्राम को समझने की कोशिश करना है, डायग्राम देखो कैसे अरेंज हो रहा है। ये यहाँ पे माउंटेन ब्लॉक हो गया, ये माउंटेन ब्लॉक है। ठीक है, इसकी यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट है वो एच है, और जो क्रस्ट है इस क्रस्ट की थिकनेस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक टी है। इस क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है, रो सी है। इस माउंटेन रेंज की डेंसिटी कितनी है, रो वन है। ये डेप्थ ऑफ कंपनसेशन हमारा हो गया। कंपनसेशन डेप्थ पे क्या होता है, इस क्रस्ट की जो डेप्थ ऑफ कंपनसेशन है उस पर क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ क्रस्ट
इंटू थिकनेस ऑफ क्रस्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ माउंटेन इंटू थिकनेस ऑफ माउंटेन, दोनों इक्वल होते हैं ये वाली चीज़। यहाँ से मैंने रो सिग्वेर निकाल ली, मीन्स डेंसिटी ऑफ क्रस्ट निकाल लिया, और वहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे मेरा डेंसिटी ऑफ माउंटेन इंटू उसकी थिकनेस और इंटू अपॉन में सट्टी आ जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू पुट करके किसी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूँ इस पर, ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इस पर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट द क्रस्टल डेंसिटी रो वन इज नीडेड टू एक्सप्लेन 5 किलोमीटर हाई प्लेटू। एज्यूम रो सी इज इक्वल टू 2800 एंड रो एम इज इक्वल टू इतना एंड टी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, उसी डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करना। सर पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये तो मेरा प्लेटू हो गया, ठीक है। तो प्लेटू हो गया मीन्स जिसमें मैंने माउंटेन मानना था, ये क्रस्ट हो गई, ठीक है। ये डेप्थ ऑफ कंपनसेशन हो गई। अब इस क्रस्ट की डेंसिटी कितनी दिया इसने, इसकी क्रस्ट की डेंसिटी दिया इसने रो सी इक्वल टू दिया है 2800। क्रस्ट की थिकनेस कितनी दी है, यहाँ से यहाँ तक थिकनेस कितनी दी है, जो मैंने टी बोला था उसको 30 किलोमीटर। मैं तो समझ में आ रहा है, मैं क्रस्ट की बात कर रहा हूँ। अब प्लेटू पे आते हैं, प्लेटू कितने हाइट दी है, हाइट दिया इसने 5 किलोमीटर। कितनी हाइट दिया, 5 किलोमीटर। तो जो 5 किलोमीटर है वो यहाँ से यहाँ तक है, कितने है 5 किलोमीटर। और रो वन मुझे इसको निकाल लिया, प्लेटू की डेंसिटी निकाल लिया मुझे, जो क्रस्ट की डेंसिटी है 2800 और प्लेटू की डेंसिटी में निकाल लिया है। प्लेटू का हाइट 5 किलोमीटर दे दी और क्रस्ट की थिकनेस दे दी 30 किलोमीटर। ये मेरे जोन ऑफ, ये डेप्थ ऑफ कंपनसेशन हो गया। अब मैंने बोला था कि जो कंपनसेशन डेप्थ पे क्या होता है कि क्रस्ट की डेंसिटी इंटू थिकनेस इंटू क्रस्ट की थिकनेस इक्वल टू प्लेटू या माउंटेन की डेंसिटी इंटू प्लेटू या माउंटेन की थिकनेस। तो क्रस्ट की थिकनेस कितनी है, 2800 मल्टीप्लाई क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है 2800 और क्रस्ट की थिकनेस कितनी है 30। ये किसके इक्वल टू होगी, वो इक्वल टू होगी प्लेटू की डेंसिटी कितनी है रो वन, ये मुझे निकालनी है। और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस होगी देखो, इसकी जब थिकनेस लेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक 30 प्लस यहाँ से यहाँ तक 5। देखो प्लेटो की थिकनेस हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ तक तो ये हो गया ना, क्रस्ट इसने कवर कर रहा है, फिर क्रस्ट से ऊपर प्लेटो निकल रहा है, माउंटेन निकल रहा है हमारे तरीके से। तो इसकी जो क्रस्ट जो इसकी प्लेटो की थिकनेस आएगी तो यहाँ से यहाँ तक कितना 30 और प्लस यहाँ से यहाँ तक 5, तो टोटल कितनी होगी 30 प्लस 5। अब यहाँ से रोवर निकालना है सिंपल। तो इस इक्वेशन को बनाना सीख लो आप, अब क्वेश्चन को ऐसे डायग्राम से इसको ऐसे बनाना सीख लो। प्लेटो दिया है, प्लेटो की थिकनेस दे दी, प्लेटो की डेंसिटी में निकालनी है, क्रस्ट की डेंसिटी होगी, क्रस्ट की थिकनेस इतनी होगी कंपनसेशन डेप्थ पे, क्रस्ट की डेंसिटी इंटू क्रस्ट की थिकनेस इक्वल टू प्लेटो की डेंसिटी इंटू प्लेटो की थिकनेस। ये इक्वेशन बनाना सीख लो आप। अब क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बहुत एग्जाम में पूछा है, जेम नेट गेट में सब में क्वेश्चन आता है नॉर्मल से, और ईजी है, बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यहाँ से निकाल लो प्लेटो की डेंसिटी, रो वन इज इक्वल टू 2800 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 35 7 6 400 240 किलोमीटर पर। ऐसे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जोन एंड डेप्थ ऑफ कंपनसेशन
क्रस्ट हो गया, क्रस्ट की डेंसिटी दे दी, थिकनेस दे दिया, क्रस्ट की डेंसिटी इंटू थिकनेस इक्वल टू माउंटेन या प्लेटू, प्लेटू की डेंसिटी इंटू प्लेटू की थिकनेस, प्लेटू की थिकनेस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, और एरी मॉडल देखते हैं, एरी हाइपोथेसिस में क्या होते हैं। प्राथ थ्योरी में हमने जो ब्लॉक्स की डेंसिटी ली थी वो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज थी, लेकिन जब हम एरी हाइपोथेसिस को डिस्कस करते हैं तो इसमें एरी ने क्या किया था, जो ब्लॉक्स थे उनकी डेंसिटी उसने सेम ली। तो इन द एरी हाइपोथेसिस वी हैव सेम डेंसिटी ऑफ ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स की डेंसिटी है वो सेम है, लेकिन जो उनकी थिकनेस है, थिकनेस क्या होती है वो उनकी डिफरेंट होती है एरी मॉडल में। सेम डेंसिटी, देखो ये ब्लॉक्स हैं इनकी सेम डेंसिटी है, लेकिन इनकी थिकनेस क्या है, इनकी थिकनेस डिफरेंट थिकनेस है। और ये क्या करती हैं, ये ब्लॉक एक सेम डेप्थ तक सिंक नहीं करते हैं, ये ब्लॉक जो हैं सेम डेप्थ तक सिंक नहीं करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे सिंक करते हैं। ये देखो ये ब्लॉक्स, ये ब्लॉक था इसकी थिकनेस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डेप्थ तक सिंक कर रहा है, मीन्स इसकी रूट ज़्यादा है। इसकी थिकनेस की मैं बात कर रहा हूँ, थिकनेस के अकॉर्डिंग इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है, इसकी थिकनेस इससे थोड़ी कम है, इससे थोड़ी सी कम है। तो एरी हाइपोथेसिस में क्या है, हम लोग जो ब्लॉक्स लेते हैं, जो ब्लॉक्स ले रहे हैं उनकी डेंसिटी सेम है लेकिन उनकी थिकनेस डिफरेंट है, और इस वजह से क्या है कि जो वो सिंक करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे सिंक करते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, और तो ये मॉडल समझते हैं, ये यहाँ पे क्रस्ट है मेरी और ये एक माउंटेन ब्लॉक है, ठीक है, और जो क्रस्ट से नीचे जो मूव कर रहा है ना, ये देखो क्रस्ट से नीचे जो दिख रहा है मुझे, ये इसको बोलते हैं रूट उस पर्टिकुलर माउंटेन का या प्लेट्यू का, ये है रूट, ये भी क्रस्ट है, क्रस्ट की डेंसिटी रो सी मान ली मैंने, और देखो जहाँ पे ये रूट मूव कर रहा है, जहाँ पे रूट दिख रहा है यहाँ पे ये मेंटल है स्थेनोस्फीयर, इसकी डेंसिटी हो गई रो एम, ठीक है। अब जो ये रूट है, इस रूट की हाइट मैंने मान ली आर, ठीक है, क्रस्ट की थिकनेस कितनी है टी, यहाँ से यहाँ तक हो गई टी, यहाँ से यहाँ तक थिकनेस हो गई आर, और जो माउंटेन है क्रस्ट से ऊपर की तरफ उसकी हाइट हो गई एच, ठीक है, एच समझ में आ गया आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक एच है, यहाँ से लेके यहाँ तक एच है, और जो क्रस्ट की थिकनेस है टी यहाँ से यहाँ तक है, देन जो रूट है आर वो यहाँ से यहाँ तक है। इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, ठीक है, नीचे जो ये लाइन जा रही है वही डेप्थ ऑफ कंपनसेशन है, जहाँ पे प्रेशर इक्वल होता है एवरी पॉइंट पे, ठीक है। तो रूट हो गया, ये क्रस्ट हो गई, यहाँ पे डेंसिटी हो गई हमारी मेंटल की, रोसी हमारी डेंसिटी हो गई क्रस्ट की, और ये हमारा माउंटेन ब्लॉक हो गया। अब देखो डेप्थ ऑफ कंपनसेशन पे क्या होगा कि इसकी, इसको लो आप मेंटल को लो, इसकी रूट क्या आर मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ मेंटल प्लस, अब क्रस्ट पे आ जाओ, क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है रो सी मल्टीप्लाई, इस पे आ जाओ, इसकी थिकनेस कितनी है टी है, वो इक्वल टू होगा इस सब की थिकनेस, इसकी इस माउंटेन की डेंसिटी और प्लस इसकी थिकनेस के, तो इसकी डेंसिटी रो सी, इस पूरे ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है रो सी है, तो रो सी मल्टीप्लाई, अब इसकी थिकनेस देखो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक आर हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आर हो गई प्लस टी हो गई और प्लस एच हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये वाले ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये एच हो गई, तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं आर प्लस टी प्लस एच, डेप्थ ऑफ कंपनसेशन पे ही होगा, ऐसे ही इक्वल होंगे, इसका प्रेशर इसके प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ये मैंने पहले मेंटल लिया, मेंटल की डेंसिटी रो एम मानी हुई है, ठीक है, इसके डेप्थ कितनी है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आर है प्लस प्लस पे मैं क्रस्ट को लूँगा, क्रस्ट की थिकनेस कितनी है टी है और क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है रो सी है, इक्वल टू फिर मैं इस पूरे ब्लॉक को ले लूँगा, क्या करूँगा इस ब्लॉक को ले लूँगा, इस पूरे ब्लॉक को, इस पूरे ब्लॉक की थिकनेस कितनी है आर प्लस टी प्लस एच, आर यहाँ से यहाँ तक हो गई, टी यहाँ से यहाँ तक टी हो गई और एच यहाँ से यहाँ तक एच हो गई, इसकी डेंसिटी कितनी है पूरे ब्लॉक की, वो मैंने ले ली रो सी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, ये हो गया आर रो एम प्लस T
जी इंटू रो सी इज इक्वल टू रो सी इंटू आर प्लस रो सी इंटू टी प्लस रो सी इंटू एच। तो इससे इससे ये कट हो गया रो सी इंटू टी। यहाँ से आप आर की वैल्यू लेके आओ, इसको दर लेके आ जाओ, आर रो एम माइनस के आर रो सी इजिकल टू उसको दर रखो रो सी एच। तो यहाँ से आर निकल के आएगा आर इजिकल टू रो सी इंटू एच अपॉन रो एम। मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले क्या बचेगा आर एम माइनस के रो एम माइनस के रो सी। ठीक है, ये कॉमन आ गया, कॉमन लेने के बाद में इसकी अपॉन में आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे लास्ट में जाके रूट का। अगर मुझे रूट निकालनी है, अगर किसी क्रस्टल ब्लॉक की थिकनेस दी हुई है, हाइट दी हुई क्रस्टल ब्लॉक की, किसी माउंटेन ब्लॉक की या प्लेटू की हाइट दी हुई है और मुझसे रूट पूछ रहा है, तो रूट का फॉर्मूला देखो, ये ड्राइवर को ड्राइव होके आ गया। तो आर इज इक्वल टू रोसी, रोसी मीन्स डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इंटू एच हाइट, एच मीन्स हाइट, किसकी हाइट माउंटेन की हाइट, अपॉन रो एम मीन्स मेंटल की डेंसिटी माइनस की रोसी मीन्स क्रस्ट की डेंसिटी। तो आप सिंपली यहाँ से अगर अगर आपको हाइट दे दे, अगर एच कुछ भी दे दे, एच की वैल्यू यहाँ रख के और क्रस्ट की डेंसिटी यहाँ रख देना, मेंटल डेंसिटी माइनस की क्रस्ट की डेंसिटी, वो निकल के यहाँ से आपकी रूट निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम समझ आ रहा है ना कैसे बन रहा है? इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ कि देखो ये तो पूरा मेरा एक माउंटेन है। ठीक है, एक माउंटेन ब्लॉक हो गया, ये उसकी रूट है, ये वाली देखिए है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रूट है, जिसकी मैंने थिकनेस मान ली आर। ठीक है, ये क्रस्ट है, इस क्रस्ट की मैंने डेंसिटी मान ली रो सी, और इसकी जो थिकनेस है वो है टी। ठीक है, और इसके ऊपर ये माउंटेन है। ठीक है, मतलब इसके ये क्रस्ट से ऊपर वाला पार्ट जो जिसकी जो राइज कर रहा है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट मैंने मान ली एच है, और ये डेप्थ ऑफ कंपनसेशन हो गया, और ये क्या हो गई रूट हो गई, ये मेंटल की डेंसिटी हो गई, ये क्रस्ट की डेंसिटी हो गई। तो इसकी मेंटल की डेंसिटी इंटू मेंटल की थिकनेस प्लस क्रस्ट की डेंसिटी प्लस क्रस्ट की थिकनेस, सॉरी क्रस्ट की डेंसिटी इंटू क्रस्ट की थिकनेस इक्वल टू होगी मेंटल, इसकी जो पूरा ब्लॉक है, ब्लॉक की हाइट मतलब पूरी थिकनेस उसकी आर प्लस टी प्लस एच इंटू उस ब्लॉक की डेंसिटी। और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करने के बाद में निकल के आ जाएगा मेरा आर, निकल के आ जाएगा आर की वैल्यू जाएगी। तो इस पर आगे न्यूमेरिकल देखता हूँ कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है इफ द एवरेज क्रस्टल थिकनेस इज 35 किलोमीटर, क्रस्टल थिकनेस दे दी 35 किलोमीटर एंड हाइट दे दी, हाइट ऑफ माउंटेन इज 5 किलोमीटर, हाइट एच दे दिया, अबव द मीन सी लेवल, अबव द मीन सी लेवल द क्रस्टल बेस्ड ऑन द एरी मॉडल बीनीथ द माउंटेन विल बी। तो इसमें देखो हमको एच दे रखा है, ठीक है, अब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था रूट वन निकालने वाला, तो आर नोट बराबर क्या निकलता है, रूट हमने निकाल दी, आर इक्वल टू होता है रो सी अपॉन रो एम माइनस के रो सी इंटू एच। ठीक है, जिसमें से ये क्रस्ट की थिकनेस थी, ये क्रस्ट की डेंसिटी थी, ये माउंटेन की डेंसिटी थी, और इंटू एच हाइट किसकी थी, जो हमारा माउंटेन या प्लेटू एरिया था उसकी हाइट थी ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब रूट निकालने के लिए हमारी कितनी है इसकी रोसी की वैल्यू, देखो अगर रोसी नहीं दिया हुआ है, अगर रोसी या रो एम नहीं दिया, उसको बेसिकली हमको पता ही है कितने उसको एवरेज हम इतनी लेते हैं, रोसी बराबर ले लेते हैं हम जो क्रस्ट की डेंसिटी वो लेते हैं 2.7 और जो मेंटल की डेंसिटी वो लेते हैं हम 3.3 लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, रोसी की जगह 2.7 और रो एम की जगह कितना रखोगे अब 3.3। ठीक है, इंटू 5 जब सिंप्लीफाई करोगे तो रूट निकल के आ जाएगा 22.5। तो ये रूट निकल के आ गया 22.5। बहुत बार क्वेश्चन में तो केवल यही पूछता है, रूट पूछ लेता है बहुत सारे क्वेश्चनों में तो। ठीक है, और इसके बाद में जो टोटल थिकनेस होगी, टोटल थिकनेस कैसे होगी मेरी, क्रस्टल थिकनेस कितनी थी 35, रूट कितने में 22.5 निकल के आई है, तो टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी 57.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बना रहा है, इनको रोसी दिया, रूट निकालनी है मेरे को, इन दोनों का पता है, हाइट दे रखी है, रूट निकल के आ जाएगी, रूट में क्रस्टल थिकनेस ऐड कर दो, टोटल थिकनेस निकल के आ जाएगी, टोटल कितनी थिकनेस है उसकी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंसिडर द एरी आइसोस्टेटिक कंपनसेशन ऑफ अ माउंटेन हैविंग एलिवेशन 2.0 किलोमीटर अबव द मीन सी लेवल एट अ पॉइंट पी द थिकनेस ऑफ इट्स रूट बिलो द पी वुड बी। तो देखो इसमें क्या दिया इसने, इसने दे दिया मुझे माउंटेन का एलिवेशन दे दिया, कितना दे दिया 2.0 मीन्स ये हाइट दे दी, ठीक है हाइट दे दी मुझे, और रूट पूछ रहा है कि रूट कितनी होगी इसकी, आर नोट मुझसे पूछ रहा है, इसकी क्रस्ट की डेंसिटी दे दी एंड मेंटल की डेंसिटी दे दी मेरे को, ठीक है दोनों ये सब चीज़ गिवन है। अब फॉर्मूला क्या होता है रूट का, तो आर इज इक्वल टू रोसी अपॉन रो एम माइनस के रोसी, ये किसकी डेंसिटी है, ये डेंसिटी है क्रस्ट की, ये डेंसिटी है मेंटल की और ये डेंसिटी है क्रस्ट की, इंटू एच, एच क्या है, एच है एलिवेशन। तो सिंपली यहाँ पे एच की वैल्यू डाल दो, एच की वैल्यू कितनी दी है 2 दी है, और क्रस्ट की डेंसिटी कितनी दी है 2.7, क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है 2.7 है, मेंटल कितनी है 3.3 है, और यहाँ पे फिर माइनस क्रस्ट की डेंसिटी, रोसी क्या क्रस्ट की डेंसिटी है माइनस 2.7। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर आएगा 9 किलोमीटर। तो जो रूट आएगी हमारी माउंटेन की उसको होगी 9 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन देता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, रूट का क्वेश्चन ऐसे बनेगा, बेसिकली हमें हाइट दी होगी, हाइट दी गई होगी और फॉर्मूला हमारा ये है रोसी अपॉन रो एम माइनस के रोसी इंटू एच, हाइट यहाँ पे हाइट के लिए पुट कर देना, यहाँ से रूट निकल के जाएगा। कभी 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 टोटल थिकनेस पूछेगा, तो टोटल थिकनेस निकालने के लिए जैसे हमने अभी पहले वाला क्वेश्चन किया था, टोटल थिकनेस निकालने के लिए जो हमें क्रस्टल थिकनेस दी है उस थिकनेस में इस रूट को ऐड कर देना, टोटल थिकनेस निकल के आ जाएगी। तो आप लोग ट्राई करके देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।